महोदय, सभापति महोदय, आज स्थानीय निकाय और स्वायत्त शासन विभाग जिन पर यह चर्चा हो रही है, ये एक बहुत बड़ी चर्चा राजस्थान की लगभग आधी से थोड़ी सी कम आबादी के बारे में हम बैठकर चर्चा कर रहे हैं। आज शहरों में 38% जनसंख्या शहरों में है और 23.2% की ग्रोथ से शहर बढ़ रहे हैं, जबकि गांवों की जनसंख्या 12.1% से बढ़ रही है। सभापति महोदय, 3 करोड़ की आबादी के लगभग 10 नगर निगम, 36 नगर परिषदें और 194 नगर पालिकाएं, 240 स्थानीय निकायों के बारे में आज स्थानीय निकायों की चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, ये स्वायत्त शासन शब्द कहां से आया? ये जो बीकानेर नगरपालिका अधिनियम 1923 और उदयपुर नगरपालिका अधिनियम 1945 जब निरस्त हुए, तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 बना और उसके बाद 73 और 74 संविधान संशोधन में इस विभाग का नाम स्वायत्त शासी संस्थाओं के माध्यम से रखकर इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द इसमें लिखा गया, दायित्व का निर्वहन करते हुए। मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा कि ये विभाग मंत्रालय नहीं है, दायित्वों का निर्वहन है। और देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने सबसे पहले यदि किसी चीज की घोषणा की तो स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की, महात्मा गांधी जी के सपने को आगे बढ़ाया और स्वच्छ भारत अभियान का जो लोगो था वो महात्मा गांधी के चश्मे को लोगो बनाया। ये देश में एक नया युग की शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा कि विभाग सेवा का मिशन है, इस मिशन में यदि आज हम शहरों की स्थिति देखें तो स्थिति क्या है? मंत्री जी, शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ यह विभाग है, प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली से जुड़ा हुआ यह विभाग है। लेकिन आज हमारे शहरों की स्थिति क्या है? मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं सभापति महोदय कि आज शहरों की स्थिति हम लगभग ये मानो कि नर्क के जीवन जी रहे हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं कि सुबह उठने से लेकर रात होने तक जो जो काम किसी व्यक्ति को पड़ते हैं वो सारे काम इसी विभाग से संबंधित है शहरों में। सभापति महोदय, जब मास्टर प्लान बना था, और मंत्री जी चाहें तो मंत्री जी मैं आपको दौरा करवा सकता हूं कि आपको शर्म आ जाएगी कि हम जिस शहरों की बात कर रहे हैं उन शहरों में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी लोग नर्क की तरह जीवन जी रहे हैं। इसमें मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा क्योंकि आप दोषी हो, कई सरकारें गई और आई, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कहीं तो हमको तय करनी पड़ेगी कि आखिर शहरी लोगों का ये हाल क्यों है। और 2035 में शहर की आबादी 50% हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बड़ी गंभीरता से इसकी तरफ आप ध्यान दें। सभापति महोदय, 2011 का जब मास्टर प्लान बना था तो 44.08% आवासीय हमने उसको रिजर्व किया था। और मंत्री महोदय, थोड़ा बहुत गुलाब कोठारी जी ने इसको बचाने का प्रयास किया, उन्होंने PIL लगाई, 12 जनवरी 2017 को 257 प्रश्नों का फैसला आया और उस फैसले का नाम दिया था घुटती सांसों मरते शहरों को संजीवनी। लेकिन फिर धारीवाल जी आ गए और उन्होंने उस संजीवनी को पूरा क्या किया जो मैं आगे बताऊंगा। आपने कई तरीके के सैकड़ों तरह के अमेंडमेंट करके और एक जुमला पकड़ा प्रशासन शहरों के संघ और पूरा का पूरा शहर का आपने गड़ा घोंट दिया। गड़ा कैसे घोंटा कि ये स्वायत्त शासन तो केवल नाम का ही है सभापति महोदय, इसमें स्वायत्त तो केवल मंत्री जी है और शासन भी इन्हीं का है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, इन्होंने 1-8-10 रिटायर्ड अधिकारियों की एक फौज ही कपड़े चारों तरफ इकट्ठी कर रखी, बस वही पूरा विभाग चला रहे। न तो कोई ईओ के पास पावर है, न प्रशासनिक से इनको स्वीकृति है, न कोई वित्तीय स्वीकृति है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं आदरणीय प्रद्युमन सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी रावत जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है उनके साथ जब फाइनेंस कमीशन में गया तो कई जगहों के नगर निगमों के, मैं अब नाम तो क्या लूं, वहां के मेयर इन्हीं की पार्टी के रोने लग गए। उन्होंने कहा कि साहब हम सफाई कर्मचारी का स्थानांतरण भी मंत्री जी के पास फाइल जाती है तो फिर सफाई भी मंत्री जी जिम्मेदारी लेवे इसकी। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज शहरों की स्थिति क्या है, जयपुर शहर को देखो और ये क्यों हो रहा है। जयपुर शहर का जो ये स्वायत्त शासन है इसका एरिया तो है मात्र 800 वर्ग किलोमीटर और जो इन्होंने JDA बना रखा है उसका एरिया है 3600 वर्ग किलोमीटर, तो इनको प्रेम वहां से ज्यादा है।
इस बार इनकी नजरें और कहीं हैं, निगाहें कहीं हैं, इस विभाग की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान या तो कोटा के रिवर फ्रंट पे है या कोई दूसरे कामों में। इसलिए मैं सभापति महोदय कह रहा हूं कि मंत्री जी आप चल कर करें, आप दौरा करके देख लें कि आज शहरों की स्थिति क्या हो रही है। सभापति महोदय, सुबह उठते ही आदमी, जो मैंने कहा ना कि मैं पूरे दिन भर का घटनाक्रम केवल आज आपके सामने रखूंगा, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, सुबह उठते ही प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले शहरों में देखता है स्वच्छता के क्या हाल है। आज राजस्थान के 28 शहरों में 70 लाख टन कचरा खुले में पड़ा है। 33% पैसा केंद्र सरकार देने को तैयार है, ये जिद पर अड़े हैं कि 60% दो, इसलिए ने उसमें काम करना बंद कर रखा है। और 4.5 साल हो गया, अभी तक एक पैसे का काम उसमें एसबीएम इन्होंने नहीं किया, एक रुपए का बजट नहीं दिया, और ना वो केंद्र सरकार का बजट ये उठा पाए। सभापति महोदय, 473 एकड़, मंत्री जी आपको ऐसे समझ में आएगा कि 473 एकड़ बेस कीमती जमीन इससे आपकी निकल जाएगी, कई हजार करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, इसमें आप काम कराओ। और लगभग आज के दिन केवल 18% कचरे का निस्तारण हो रहा है सारे राजस्थान में, केवल 18%। और मैं ये भी जानता हूं कि मंत्री जी जब कहेंगे, खड़े होंगे, तो मंत्री जी एक लाइन कहेंगे, आप महापौर थे, ये पहले भी कई बार कहे, कहते कहते 4.5 साल हो गए। अरे मैं तो केवल 2 साल के लिए महापौर था, और जब मैं महापौर था तभी जयपुर को पहली बार देश की राजधानियों में नंबर 1 का अवार्ड दिया प्रधानमंत्री जी ने। आज 4.5 साल हो गए, आपके आने के बाद क्या किया वो बताओ। सभापति महोदय, अकेले जयपुर में डेली 1800 टन कचरा निकलता है, 390 टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, और 5 माह में गाय माता के पेट से 40,000 किलो पॉलीथीन निकला है, ये जयपुर का आंकड़ा बता रहा हूं। सभापति महोदय, कौन संभालेगा इसको? लोग डिपार्टमेंट नहीं देख रहे कि ये जेडीए का है कि नगर निगम का, लोग ये जानते हैं कि धारीवाल जी का विभाग है, लोग जवाब चाहते हैं धारीवाल जी से। सभापति महोदय, मोदी जी ने एसबीएम में 1000 करोड़ रुपए दिए, उसकी कोई चर्चा तो ये नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगा अभी, लेकिन आपका विभाग क्या कर रहा है वो भी देखो। जब हम कचरे से निवृत्त मान लो सभापति महोदय, फिर नालियां और सीवरेज, जो शहर की सबसे मूलभूत समस्या है, आज हालात क्या है, 80% जयपुर शहर में, मंत्री जी कोटा तो छोड़ो, कोटा का तो आपको ध्यान होगा, पूरे राजस्थान का बता रहा हूं मैं, जयपुर राजधानी का बता रहा हूं, 80% जयपुर शहर में नालियां नहीं है, बरसात के पानी के निकाले के निकासी के लिए ड्रेनेज नहीं है, आप किसी भी कॉलोनी में चेक करवा लो। और जो बड़े नाले बने हुए हैं उनकी सफाई नहीं होती, 15 मिनट की बारिश में जयपुर पूरा डूब क्षेत्र में आ जाते हैं, आज माननीय नरपत सिंह जी ने भी आपसे निवेदन किया था। सभापति महोदय, बारिश की निकासी नहीं है, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, और जो मैंने कहा ना कि नरक में जीवन जी रहे हैं, ये वाकई नरक में जीवन हम शहरों में जी रहे हैं। सभापति महोदय, लगभग केवल नालियां और सीवरेज नहीं होने के कारण, और एक जयपुर शहरों का हाल क्या है, मंत्री महोदय मैंने पहले भी कहा था कि शहरों में 15 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, 15 जेडीए, नगर निगम, पीएचडी, आरएसीबी, पीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, आरयूआईडीपी, स्मार्ट सिटी, मेट्रो, रूडिस्को, सिस्को, हाउसिंग बोर्ड, केबल नेटवर्क, आवास विकास और रिको, ये 15 डिपार्टमेंट शहरों में काम कर रहे हैं। इनको इंटीग्रेटेड नहीं करने के कारण, कोई प्लानिंग बोर्ड नहीं बनाने के कारण, प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होने के कारण पिछले 10 साल में जयपुर में 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन आज भी आधे से ज्यादा जयपुर कच्ची बस्तियों की तरह डेवलप हो गया। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष से नालियां सीवरेज नहीं होने के कारण और एक दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरकनेक्शन नहीं होने के कारण 6,000 किलोमीटर सड़कें राजस्थान में प्रतिवर्ष केवल नॉन प्लानिंग के कारण टूटती है, 6,000 किलोमीटर सड़कें, यह नीति आयोग ने आपको ऑडिट में भेजा है। सभापति महोदय, मैं कहूंगा मंत्री जी को कि इस पर ध्यान दे, आप भी 1,000 किलोमीटर, एक आज के दिन आप नगर निगम से डाटा मंगवा लो, 1,000 शिकायतें केवल जयपुर शहर में सीवरेज की पेंडिंग पड़ी है, 1,000 शिकायतें। सभापति महोदय, नालियां सीवरेज के अभाव में हर 3 महीने में जो सड़क बनती है वो टूट जाती है, हर 3 महीने में, क्योंकि नालियां और सीवरेज नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसका हाल देखो, फिर जयपुर शहर का देखो, आप थड़ी ठेला, हर शहर के हालात है, पूरे राजस्थान में थड़ी ठेला, सब्जी फ्रूट, ये के थोक, जो ये फुटकर व्यापारी है, इनके कारण शहरों की स्थिति क्या है। आज जयपुर शहर में 60,000 थड़ी ठेले, पूरे राजस्थान में 6.5 लाख थड़ी ठेले, आपका सर्वे है, आपके पास NULM का डाटा पड़ा है, मात्र 12,296 ही जयपुर में रजिस्टर्ड है। और एक और सभापति महोदय, वेंडर्स के गिरोह बने हुए हैं जिन्होंने फुटपाथ से लेकर सब जगह कब्जे किए हैं,
और वो फ्री में नहीं बैठ रहे, नगर निगम के अधिकारियों से लेकर हर जगह उनकी बंदी बंदी हुई है, सारे फुटपाथों पर उस गिरोह का कब्जा है और वो थड़ी ठेला लगाने के लिए 200 रुपए 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तो उगाही कर रहे हैं और डिपार्टमेंट सो रहे। सभापति महोदय, 2016 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लागू हुआ था परंतु आज तक कोई काम नहीं हुआ, निगम आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं, कौन जवाब देंगे? मैंने कहा ना मंत्री जी मैं राजनीति नहीं कर रहा, 2016 में ही लागू हुआ था, 2 साल बीजेपी गवर्नमेंट थी, अब आपकी 4.5 साल से है। आप ये कहो कि भाई उस समय बीजेपी ने क्या किया था तो हम इधर आ गए ना, आपकी आने की इच्छा हो तो आप भी कर मत करो। सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में एक और आंकड़ा आप देखो, राजस्थान का व्यक्ति काम करे ठीक है, लेकिन पूरे प्रदेश में सब्जी और पर्टिकुलर कह रहा हूं मैं, आज से पहले सब्जी और फल हमारे राजस्थान के माड़ी समाज के छोटे छोटे जो फुटकर व्यापारी थे वो बेचते थे। आज एक समुदाय विशेष का उत्तर प्रदेश के कोई एक दो जिलों के समुदाय विशेष के लोगों ने इस पर पूरे राजस्थान में कब्जा कर लिया, 10,000 से ज्यादा थड़ी ठेले जयपुर में उसी एक समुदाय के यहां पर लगे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से आए हुए हैं। कौन उनको संरक्षण दे रहा है, किसके संरक्षण में चल रहे हैं जयपुर शहर में? ये रफीक भाई बता सकते हैं किसके संरक्षण में चल रहा है? सभापति महोदय, मान्य सदस्य लगातार इनमें से लगातार बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, आज 10,000 से ज्यादा ये थड़ी ठेले और बार बार अंकित नहीं हुआ किसी का भी। आप ये पता करो मंत्री महोदय कि लाल कोटी सब्जी मंडी में पिछले 4 सालों में कितनी बार आग लगी है और वो आग में किसके थड़ी ठेले जले हैं, कौन संगठित हीरो इसमें काम कर रहा है, कौन अपराधी काम कर रहा है और उनको संरक्षण कौन दे रहा है? सारे माड़ी समाज के थड़ी ठेले पूरे राजस्थान से गायब होने का काम इन 4 सालों में हुआ, वो किसकी सरपरस्ती में हुआ, किसके उसमें हुआ है, इसकी जांच करवाई जाए। ये वेंडिंग जोन कहां गए आपके? वेंडिंग जोन में एक भी आदमी शिफ्ट नहीं होता और नगर निगम कहां कार्रवाई करता है, जेडीए कहां करता है? मंत्री जी, इसलिए मैंने कहा कि इस बार आपका ध्यान नहीं है, आपने उन रिटायर्ड अपने सलाहकारों की फौज पर यह सारा डिपार्टमेंट छोड़ दिया, आपकी नजरें कहीं हैं, निगाहें कहीं हैं, इस बार आपका मन नहीं है इस विभाग में। सभापति महोदय, आप ये देखो पार्क, आज बड़ी बड़ी बातें हो रही थी पार्क की, मंत्री जी एक पार्क में घूमते हैं सेंट्रल पार्क में, वो बिल्कुल बहुत अच्छा सेंट्रल पार्क है, धन्यवाद मंत्री जी, जब से आपने वहां सामने फ्लैट लिया उसके बाद से वो पार्क आपने बनाया, मैंने उस दिन मंच पे भी कहा था मुख्यमंत्री जी को भी, और वो पार्क बहुत बढ़िया आप घूमने जाते हो। एक हमारे आपने सिटी पार्क बनाया उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, आपने पब्लिसिटी 1000 करोड़ की है, लेकिन बहुत अच्छा बनाया, मैंने धन्यवाद भी दिया आपको। लेकिन केवल 2 ही पार्क नहीं है मंत्री जी जयपुर में, पूरे राजस्थान में कितने पार्क है वो पता करो, अकेले जयपुर का डाटा मैं दे रहा हूँ, 1800 पार्क है जयपुर में, 1075 नगर निगम के पास है, 200 जेडीए के पास है, उन पार्कों में आप कभी सेंट्रल पार्क के अलावा दूसरे पार्क में घूम के बता दो, आप यदि चलते चलते ठोकर खाकर नहीं गिर जाओ तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। एक भी पार्क में टाइलें नहीं लगी हुई, एक भी पार्क में वॉक में नहीं बना हुआ, एक भी पार्क में घास नहीं टकी हुई और पेड़ों के पैसे कौन खा गया? सभापति महोदय, ये सरकारें बदलनी रहेगी, आपने ये किया मैंने ये किया, ये जयपुर की जनता प्रतिदिन के काम है जिनको छोटे छोटे काम है। सभापति महोदय, मंत्री जी, ये जयपुर की जनता पूरे राजस्थान की जनता आपकी तरफ देख रही है, ये 4-6 महीने और बते हैं, ये अंतिम शासक हो आप इस विभाग के, आप इसको ठीक कर जाओ, बात बाकी आगे मौका नहीं मिलेगा, जनता नहीं देगी आगे मौका। अभी देखो आप, हम तो आएंगे उधर आप इधर। सभापति महोदय, 600 से ज्यादा पार्कों में बाउंड्री वॉल नहीं है, 600 से ज्यादा पार्कों में बाउंड्री वॉल नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है मंत्री जी, हर व्यक्ति की सेहत से जुड़ा, हर व्यक्ति पार्क में जाता है और वहां घूमते घूमते बदुआ देता है, इस पर ध्यान दो। 1 रुपए का बजट आपने राजस्थान सरकार के कोष से नगर निगमों में नहीं दिया है, मैं आगे आंकड़ा दूंगा आपको। सभापति महोदय, स्ट्रीट लाइट, अभी सुबह बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि उसको ठेका दे दिया, उसको ठेका दे दिया, मैं कांग्रेस के उन बुद्धिमान मित्रों से पूछना चाहता हूं कि ठेका मंत्री जी और कोई देता है क्या? अभी 4.5 साल में ठेके आपने दिए हैं क्या? RTPP एक्ट लगा हुआ है, ऑनलाइन बिडिंग होती है, 2 लाख लाइटों का जयपुर में वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी सिस्को लाइट हाउस प्रोजेक्ट में जयपुर का MOU हुआ,
2 लाख एलईडी लाइट पहली बार आई और आज तक भी 1,67,000 लाइट नगर निगम से लगी है, 38,000 लाइटें आज भी बाकी पड़ी, लगा नहीं पाए। फेज वायर नहीं खरीद पा रहे हो आप, लाइट कहां से लगाओगे? जब मैं मेयर था तब 1,40,00,000 का फेज वायर खरीदा, उसके बाद में खरीदा होता आप अभी डाटा मंगवा के और आप दे देना कितना फेज वायर खरीदा है। 1 रुपए का फेज वायर आपने पिछले 4.5 साल में नहीं खरीदा, लाइट कहां से लगाओगे? लाइट आपके एलईडी लाइट आपके प्रोजेक्ट में लगने को तैयार है, फेज वायर आपके पास नहीं है, सॉकेट नहीं है, सर्किट नहीं है, लाइट कहां से लगाओगे? कितनी आई मास लगाई बताओ आप, आपने एक भी लगाई हो शहर में तो। ये शहरों का हाल है मंत्री जी, सभापति महोदय, इसलिए मैंने कहा कि आप मंत्री जी थोड़ी नीचे नजर डालो, ट्रैफिक जाम, सिटी ट्रांसपोर्ट, अब ये तो और भी छोटा है सिटी ट्रांसपोर्ट वाला विभाग, मंत्री जी इस पर कहां ध्यान दे, जब ये 800 किलोमीटर वाले पे नहीं दे रहे तो 200-250 बसों पर क्या ध्यान देवे? इसलिए इसकी दुर्दशा देखो आप, आज जयपुर शहर से ही पूरे शहर में मंत्री जी आपने एक बार 2-3 फ्लाईओवर बनाए और काफी गुणगान किया हमने इतने फ्लाईओवर बनाए, सूरत की स्थिति भी हमारी जैसी थी, थोड़ी थोड़ी देर में वहां ट्रैफिक जाम होता था। अभी मैं चुनाव में गया, 111 फ्लाईओवर बन चुके एक पूरे सूरत में, जयपुर जितना ही सूरत है, कहीं पर 5 मिनट का भी ट्रैफिक जाम नहीं है, 5 मिनट का भी, 111 फ्लाईओवर बने हुए। और आज जयपुर की क्या स्थिति है, माननीय विधायक जब मानसरोवर से निकलते हैं तो विधानसभा आने में इनको 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा, ये प्रतिदिन का हाल है। जगह जगह ट्रैफिक जाम है, लाखों गाड़ियां हैं, कोई पार्किंग की स्थिति नहीं है। और मैं आज कह रहा हूं स्वच्छता के बाद में इस शहर में सबसे बड़ी समस्या कोई है तो वो पार्किंग के लिए है। हर गली में झगड़े हो रहे हैं, हर गली में मुकदमे हो रहे हैं, हर व्यक्ति के पास 2-2 गाड़ी है, गाड़ी खड़ने के लिए खड़ी करने के लिए जगह नहीं है, नगर निगम जेडीए के पास कोई प्लान नहीं है, केवल कागजों में बात कर रहे हैं, हर गली में पार्किंग के नाम पर झगड़े हो रहे हैं और ये शहरों की दुर्दशा हो रही है। ये वाकई स्थिति वास्तु चरित्र है शहरों का। सभापति महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो किसी शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या किया, 4 वर्षों में JCTL में 16 और मेट्रो में 11 MD बदले, इतना जरूर किया 4 वर्षों में, 11 बदल दिए और 16 इसमें बदल दिए, काम कौन करे? पूरा डिपार्टमेंट ठेके पे चल रहा है, 1-2 कोई RAS अधिकारी लगे हैं, बाकी पूरा का पूरा विभाग ही ठेके पे चल रहा है, एक भी इनके पास वहां परमानेंट कर्मचारी नहीं है, इनके पास कोई वहां अकाउंट के आदमी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि शहरों की राजस्थान में 75 साल बाद भी सबसे ज्यादा दुर्दशा है। 55 लाख की आबादी में जयपुर में इनका सर्वे कहता है कि इनको 3300 बसों की आवश्यकता है, आज मात्र 200 लो फ्लोर बसें हैं, मात्र 200, 3300 बसों की जहां आवश्यकता 200 लो फ्लोर बसें हैं। और है क्या, 31,000 ई रिक्शा है और उसमें से माननीय किशनगढ़ से आने किशनपोल से आने वाले विधायक महोदय 26,000 तो केवल परकोटे में है। यदि यही हाल रहा तो परकोटे में पैदल चलने का भी वनवे करना पड़ेगा। 31,000 ई रिक्शा, बेतरतीब ई रिक्शा चल रहे हैं, कहीं कोई प्लानिंग नहीं है, कोई शहर की प्लानिंग नहीं है। सभापति महोदय, मेट्रो सेकंड फेज की बात हुई कई बार, 12 वर्ष हो गए, 3 बार DPR बदली, 73 पन्नों को उलट पुलट किया, 16 करोड़ रुपए खर्च किए और हुआ क्या, रिजल्ट बिल्कुल जीरो। क्या हुआ मेट्रो फेज का, DPR बन गई क्या? और मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस मेट्रो को जब तक आप अजमेर रोड की बजाय सांगानेर ले जाओ, सब से जब तक मेट्रो नहीं जुड़ेगी, मेन टोंक रोड पे आप मेट्रो लेकर आओ, सीतापुरा से लेकर आप राजीव चौक की तरह ये रामनिवास गार्डन में हब बनाओ, एक सीतापुरा से लेकर रामनिवास गार्डन लाओ, एक आप VKI से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर लेकर जाओ, और यहाँ यदि आपने हब बनाया और वर्तमान रूट को आप सांगानेर डिकी रोड से जोड़ दो, जो वहां प्रिंटिंग होती है वो ट्रेडिंग सारा वहां पे सिटी में होता है, ये जयपुर का नक्शा बदल जाएगा, पूरा जयपुर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा और घाटे की मेट्रो आपकी उसी दिन प्रॉफिट में आ जाएगी। जब तक हम सिटीज को शहरों को सबब से नहीं जोड़ेंगे, जब तक ये शहरों के आबादी को रोक नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपने शहरों को वर्टिकल नहीं बढ़ाया, आपने शहरों को एक्सपांशन कर दिया बिना सुविधाओं के। सभापति महोदय, शहरों की एक बड़ी समस्या HT लाइन, खुले तार, आज क्या हो रहा है, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। HT लाइनों की प्रदेश में लगभग 10 लाख मकान HT लाइनों से प्रभावित है, अकेले जयपुर शहर में 5 लाख मकान प्रभावित है और अकेले पृथ्वीराज नगर में 20,000 मकानों को पट्टे नहीं दे पा रहे हो आप केवल HT लाइनों के कारण। और मैंने अभी भी मंत्री जी को भी एक दिन कहा था
कि ये जो शहरों में एसटी लाइन आ रही है ये प्रसारण निगम की नहीं है, ये शहरों की सप्लाई के काम आ रही है। इसमें सेंट्रल की आरडीएसएस स्कीम से आप पैसा ले सकते हो, लेकिन इनको अंडरग्राउंड करने का काम करो। 500-700 करोड़ में ये लाइन अंडरग्राउंड हो जाएगी, हजारों पट्टे आपके निकल जाएंगे और लाखों लोगों को इससे फायदा मिल जाएगा। सभापति महोदय, कुल्ले तारों का जयपुर शहर में आपने परकोटे में स्मार्ट सिटी से 500 करोड़ रुपए लगाए, 500 करोड़ रुपए लगाकर आपने जो है वो इनको अंडरग्राउंड किया, लेकिन आज क्या हाल हो गया वापस वहां एक एक गली में 30-30, 35-35 तार खुले में पड़े। वो जो डक्ट नहीं बनाकर आपने, वो डक्ट में तार नहीं डले। स्मार्ट सिटी का पैसा तो लग गया, लेकिन यहाँ शहर में वॉल सिटी में आप जाकर देखो हर गली में 30-35 तार खुले में झूल रहे हैं। ये शहरों का दृश्य है। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये चार सर्विसेज हमको अंडरग्राउंड करनी पड़ेगी। मंत्री जी, आपके पानी की लाइनें, आपकी सीवरेज की लाइनें, आपके ये खुले तार और आपके ये जो केबल नेटवर्क के तार हैं, इन चारों को आप अलग अलग डक्ट बनाकर इसको शहरों में खुले में लेना पड़ेगा। और ये पृथ्वीराज नगर के प्लान में जब वसुंधरा जी थी तो उन्होंने इसका प्लान बनाया हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी रिपोर्ट आई हुई है आपके पास, पर आपको उसमें काम थोड़ी ना करना था। 2000 करोड़ रुपए पृथ्वीराज नगर के जमा थे, आपने 4.5 साल से ब्याज खाया, 15% पैसे नगर निगमों को देना था वो नहीं दिया, 4.5 साल से ब्याज खाया और अभी तक केवल और केवल 13 करोड़ रुपए की सीवरेज के टेंडर किए। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आप इस आरडीएस स्कीम का फायदा उठाकर मंत्री जी मानसरोवर को ले लो, किसी एक एरिया को ले लो आप इसको जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभाग और मांग संख्या 45 वन्य पर्यावरण विभाग की मांगे पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए। मांग संख्या 40 और मांग संख्या 45 के पारित होने तक समय बढ़ाया गया। सभापति महोदय, शहरों में एक आज डेली आप न्यूज पढ़ते होंगे, शहरों में स्वान और कुत्तों का आतंक, ये कोई बहुत छोटा विषय नहीं है, आपको सुनने में छोटा लग रहा होगा। सभापति महोदय, अकेले जयपुर में डेली 20 से 25 लोगों की डॉग बाइटिंग की शिकायत है, आप एसएमएस का डाटा ले लो। 20-25 लोगों को प्रतिदिन, पिछले एक साल में 12 लोगों की जान चली गई केवल डॉग बाइटिंग से। ये नगर निगम के अधिकारी यहां बैठे हैं, इनके अधिकारी के ऊपर एक व्यक्ति ने टैक्स वसूलने जब गए तो कुत्ता छोड़ दिया और उसको काट लिया। अब ये बोलने लायक भी नहीं है कि क्या करें, न तो कार्रवाई कर पा रहे हैं न कुछ उससे टैक्स ले पा रहे हैं, ये हाल है इनका। सभापति महोदय, एक जयपुर शहर में यदि आंकड़ा देखो तो 80,000 कुत्ते हैं, 25,000 पालतू है और इन्होंने नियम निकाला केवल 700 लोगों ने लाइसेंस लिया है, 1590 रुपए ये डॉग के उसके बदियाकरण के और उसके ये पकड़ने का उसका ठेका इन्होंने छोड़ रखा है, लेकिन डेली 11 ही कुत्ते पकड़ पा रहे हैं। यदि यही आंकड़ा रहा तो सर्वे में आया है कि 9090 दिन लगेंगे आपको पूरे सारे शहर के कुत्ते पकड़ने में, तब तक इनसे 10 गुना ज्यादा और बढ़ जाएंगे। सभापति महोदय, ये सब काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी नीति आयोग ने मंत्री जी आपको एक रिपोर्ट भेजी है, पुरस्कृत करेंगे नहीं वो, और रिपोर्ट ये भेजी है कि आप आगे से लोन भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बाय द अर्बन लोकल बॉडीज इन राजस्थान एज पर प्रोपोर्शन ऑफ GSDP इज ओनली एंड ओनली 0.02%, लोवेस्ट इन इंडिया। आज हालात क्या है, आज महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने इसी सदन में कहा था जब पहली बार डिबेट हुई थी, आपको कहा कि ये इन संस्थाओं पर ताले लग जाएंगे, तनखा देने के लिए पैसे नहीं इन संस्थाओं में, आप अपना टैक्स कलेक्शन ठीक करें। पर उसकी तरफ, क्योंकि आपका, मैंने कहा ना, इस डिपार्टमेंट की तरफ आपका ध्यान नहीं है मंत्री जी, इस बार आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो राम भरोसे चल रहा है, बस अधिकारी जैसे चला दे वैसे ठीक है। आप ये देखो कि जयपुर में आपने क्या कर रखा है, अकेले जयपुर शहर में 70,000 तरह की DLC, ऐसा नहीं लोग टैक्स नहीं देना चाहते, खुद मुझे प्रद्युमन सिंह जी ने कहा कि हमारे पास कोई लेना ही नहीं आता, हम किसको देवें, 70,000 तरह की DLC अकेले शहर में, इनको सरलीकरण करके और यदि इनको यूनिफाइड आप कर दो और आप इसके लिए कोई एक्ट लेकर आते, कोई प्रावधान लेकर आते, हमारे बराबर के शहरों का मैं उदाहरण दे रहा हूं, सूरत 700 करोड़, हैदराबाद 1200 करोड़ और जयपुर
कभी 80 करोड़, कभी 60 करोड़, कभी 66 करोड़, कभी 68 करोड़। कहां से डेवलपमेंट होगा, कहां से विकास होगा? लोग पैसा देना चाहते हैं, आप उनको ये तो बताओ कि आपका ये पैसा इस नियम से लगेगा। नियम नहीं है, एक भी प्रॉपर्टी की आप जांच करवा के देख लो। जी सभापति, 5 मिनट में कंक्लूड करें आप। सभापति महोदय अभी तो टाइम है थोड़ा सा, 5 मिनट, 30 मिनट थे सभापति महोदय, अभी तो 20 हुए हैं, पूरे 30 दे रहा हूं सभापति महोदय। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पर आप ध्यान दें, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये नगर पालिकाओं के जो हालात है, आज क्यों तनख्वाह नहीं दे पा रहे, क्यों कई महीनों महीनों तक तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, एक बड़ा ये हाल है द्रव्यवती, अभी कोई सुबह कह रहे थे द्रव्यवती ये हो गया, द्रव्यवती ये हो गया, ये द्रव्यवती यदि पूरी कर देते तो ये जयपुर की लाइफ लाइन है। क्या था वो मानिसा का नाला, ये कल्पना थी पेरिस की तरह कि जयपुर में द्रव्यवती बने, यहाँ इसके चारों तरफ साइकिलिंग ट्रैक बने, इसके चारों तरफ लोगों को घूमने के रास्ते बने। उस कल्पना को 1500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद केवल 100 करोड़ रुपए का, 1667 करोड़ का ये काम था, 1470 2018 तक खर्च हो गए और केवल 100-150 करोड़ खर्च करने थे, इस काम को रोक दिया। मंत्री जी, आप जो हर दिन कोटा के रिवर फ्रंट की बात करते हो, ये भी जयपुर का रिवर फ्रंट है। 6 महीने बाद यदि कोटा का रिवर फ्रंट का काम रुक गया तब आपके पेट में कितना दर्द होगा। ये उतना ही दर्द आज हम सब के जयपुर के लोगों के है कि द्रव्यवती चारों तरफ, आज ये द्रव्यवती नहीं बची, ये दुर्गंधवती नदी बन गई है, ये कचरावती नदी बन गई है, ये बीमारी नदी बन गई है। पूरे जयपुर शहर में मौसमी बीमारियां केवल और केवल आपकी आपके कारण और आपके विभाग की अनदेखी के कारण हो रहा है। केवल कोटा का ही रिवर फ्रंट नहीं है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं सभापति महोदय, इस बार मंत्री जी यूडीएस मंत्री नहीं है, ये यूआईटी चेयरमैन है कोटा के, ये कोटा के यूआईटी चेयरमैन है। ये केवल कोटा के रिवर फ्रंट की बात करते हैं, केवल कोटा जाते हैं, कोटा की बात कर रहे हैं, जयपुर की तरफ सेंट्रल पार्क से बाहर ही नहीं जाते। कई बार हमने आग्रह कर लिया, मंत्री जी आओ, थोड़ी सी नजर इनायत करो, ये टूटी हुई सड़कें देखो, ये बेहाल कचरा देखो, आप जयपुर शहर का हाल क्या है। सभापति महोदय, चारों तरफ कचरे के ढेर, टूटी हुई सड़कें, आगे देखो तो कुत्ता है, ऊपर देखो तो बंदर है, पीछे देखो तो सुअर है, चारों तरफ ऐसे लगता है कि नरक निगम में हो, ये जयपुर शहर का हाल है। सभापति महोदय, एक बड़ा शब्द चलता है जयपुर में, सील में डील। मंत्री जी, इसको कब रोकेंगे वो इन अधिकारियों को? और जेडीए तो मैं मानता हूं आपके बस में नहीं है, वो तो आपकी सुनते ही नहीं है। जेडीए में जो अधिकारी इसमें लगे हुए वो तो आपकी, आप कई बार अपनी बात होगी तो मानते ही नहीं है। सभापति महोदय, जयपुर शहर में ये क्या करते हैं, पहले नोटिस देते हैं। मैं कह रहा हूं मंत्री जी, आप जांच बिठा दो, आपके विधायकों की बिठा दो, कितने नोटिस दिए और नोटिस देने के बाद उन बिल्डिंगों का क्या हाल है, वो बनी कि नहीं बनी, और कितने तरीके के नोटिस के डिस्पैच रजिस्टर प्रत्येक जोन में बने हुए हैं, कितनी सील हुई उसके बाद उसमें निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, जांच करवा लो। 456 बार आपने तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ करने के बाद क्या हुआ, वो अंडर टेबल डील बढ़ गई और कुछ नहीं हुआ, वो बिल्डिंगें वापस बन गई। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप जांच आयोग को बिठा के देख लो, ये सील में डील कब तक चलेगी, इसको रोकने की जिम्मेदारी अपन सबकी है। मंत्री जी, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए, सड़कें बन गई, बालकनियां टूट गई, बालकनी है, सड़क पर बालकनी निकल जाती है, खुद की जगह में तो बनाओ, सड़क पर बालकनी कैसे निकल सकती है, वो अधिकारी को नहीं दिख रहा, एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जबकि हाईकोर्ट का नोटिस है इसमें, हाईकोर्ट के आधार पर आपने, जब आप पहले मंत्री थे तो आपने जिम्मेदारी तय करते हुए आयुक्त को जिम्मेदारी दे बनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने के लिए आपने निकाला हुआ है, वो सर्कुलर कॉपी आपको दूंगा। सभापति महोदय, प्रशासन, शहरों के संघ और गृह निर्माण सहकारी समितियां, आज हालात क्या है, आपने बहुत डिंडोरा पीटा, प्रशासन शहरों के संघ 6 लाख आपके पट्टों का आंकड़ा पहुंचा है और 10 दिन और बचे, 6 लाख पट्टों में जयपुर का क्या हाल है, जयपुर में आपने 74,277 पट्टे दिए, हेरिटेज में दिए हैं 4,540 और ग्रेटर में दिए हैं 2356, बाकी जेडीए ने, हाउसिंग बोर्ड ने, उन्होंने दिए। ये हाल है आपका पूरे जयपुर में, 6 लाख पट्टे आपने प्रदेश में दिए, 97,000 रोके हुए हैं, 63,000 निरस्त किए हैं, इन 1.5 लाख पट्टों पर निर्णय नहीं हुआ। और मंत्री जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सोसाइटियों ने वहां जो पट्टे काटे, आपने 3 बार घोषणा की कि सोसाइटी 1999 के बाद हम रिकॉर्ड जमा कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर रहे हैं, आज जयपुर में हर व्यक्ति पीड़ित है, हर सोसाइटी में डबल पट्टा है, हर सोसाइटी में डबल कब्जा है, हर व्यक्ति अपने मकान के लिए लड़ रहा है, ये क्यों लड़ रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा, किसकी जिम्मेदारी है,
क्या ये सरकार और मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? कौन डील कर रहा है इन सोसाइटियों से? और मैं मंत्री जी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, ये पट्टे किनको मिले? आप मत मानो मेरी बात, आप एक इंडिपेंडेंट जांच बिठा दो, आपके रिटायर्ड अधिकारियों की बिठा दो, आप इन विधायकों की बिठा दो, आपके पार्टी की, प्रत्येक पट्टे में केवल वही पट्टा दिया है जिसमें पैसे की डील हुई है, केवल उसी कॉलोनी का कैंप लगा है जिसमें पैसे की डील हुई है। और जेडीए का तो मैं आपको यह कह रहा हूं मंत्री जी, कहां गए वो 5 चीजों की? आप केवल जांच करा लो नगर निगम जेडीए की, केवल 5 चीजों की। सभापति महोदय बस 5 मिनट में, नहीं नहीं 5 मिनट सभापति महोदय, सभापति महोदय ऐसे नहीं, मैं कहीं इधर उधर नहीं बोल रहा, केवल समाप्त करें आप, 1 मिनट मंत्री महोदय, आप केवल 5 चीजों की जांच करा लो। ये टी रविकांत जी ने एक लिस्ट बनाई थी कि सेक्टर रोडों का मुआवजा किस किस को मिला है। जयपुर में केवल 6 लोगों ने 90% सेक्टर रोडों का मुआवजा लिया है। 40 किलोमीटर दूर लैंड एक्वायर करवाते हैं और 1 लाख मीटर की लैंड उनको मुआवजे, 1 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर की लैंड उनको मुआवजे में देते हैं। केवल 5 का सेक्टर रोड का मुआवजा जोन 9, 14, 11 में, रिंग रोड का, वेस्ट वे हाइट का, सेंट्रल स्पाइन का, लोअर मंडी का, इन 5 की जांच करा लो, 1500 करोड़ रुपए का घोटाला नहीं निकले तो आपके आपके विधायकों से करवा लो। आप जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। आप जांच आयोग बिठा दो। मंत्री महोदय आज हालात क्या है? केंद्र सरकार ने आपको कितने पैसे स्थापित किए जाने वाले? सभापति महोदय बस 2 मिनट में पूरा करो प्लीज, 2 मिनट में, 2 प्लीज सहयोग करें बिराजी। अब आप पुनः स्थापित किए जाने वाला विधेयक